हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से आज आपके लिए मैं पेश करता हूं सोनी स्टीरियो कैसेट डेक। इसका मॉडल नंबर है TCK222ESL। ये 222ESL जो कि 3 हेड में है दोस्तों। ये कैसेट प्लेयर मेरे पास काफ़ी अच्छी कंडीशन में, मिंट कंडीशन में आया है, जो कि 3 हेड है और इसमें डायरेक्ट ड्राइव भी है। ये डायरेक्ट ड्राइव मैकेनिज्म में आता है, जो कि यहाँ देख सकते हैं 3 हेड क्लोज लूप डुएल कैप्टन में ये आता है। अच्छी कंडीशन है, देख सकते हैं डिस्प्ले भी काफ़ी शानदार है और मैं इसको अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल नई कंडीशन में मेरे पास ये, इतने टाइम बाद 3 हेड कोई मेरे पास इस टाइप का पीस आया है। मैंने काफ़ी पीस आप तक की सेवा में पहुँचाए, लेकिन इस टाइप का 3 हेड फर्स्ट टाइम मेरे पास इतना नया पीस आया है। बिल्कुल 100% मिंट कंडीशन है। तो चलिए मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। पहले इसके फंक्शन कुछ आपको मैं बता देता हूँ। ये पावर ऑन ऑफ के लिए है, ये इसका टाइमर होता है प्ले ऑफ एंड रिकॉर्डिंग के लिए। ये फोनो लेवल है, इसका फोन लेवल, यहाँ से हेडफोन जो चलाएंगे आप। और ये आप यहाँ देख सकते हैं ओपन क्लोज, इसमें इस तरीके से ही ओपन होगा, इस तरीके से ही क्लोज होगा। और आप कोई भी कैसेट डालेंगे, जैसे इसमें आपने ये कैसेट लगाई और ये आप ये प्ले करेंगे, तो ये क्रोम कैसेट है, तो क्रोम का ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट टेप सिलेक्टर इसमें आ जाएगा, देख सकते हैं टेप पोजिशन में। और अब मैं निकाल के इसमें नॉर्मल कैसेट डालता हूँ तो ये ऑटो सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल आ जाएगा, ये देख सकते हैं नॉर्मल टेप आ गया। यानी आपको कोई भी आप कैसेट क्रोम हो नॉर्मल हो कोई भी इसमें लगाकर प्ले कर सकते हैं। और दिखा देता हूँ प्ले के लिए, ये है फॉरवर्ड के लिए, रिवर्स के लिए, और ये स्टॉप के लिए है, ये पाउच के लिए, रिकॉर्डिंग म्यूट एंड रिकॉर्डिंग, ये मॉनिटर है इसका, और ये काउंटर रिसेट के लिए, इस तरीके से काउंटर रिसेट हो जाता है। इनपुट फंक्शन में देख लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग लेवल है, ये रिकॉर्डिंग का बैलेंस है, डिस्प्ले मोड है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं, डिस्प्ले को बिल्कुल भी ऑफ कर सकते हैं, और ये इसके काउंटर रिसेट को भी ऑन कर सकते हैं। ये फुल डिस्प्ले है इसमें, और इसको आप काउंटर को रोक कर भी इसको ऑफ कर सकते हैं और बिल्कुल भी ऑफ कर सकते हैं। ये ऑन के लिए है, डिस्प्ले के लिए ये स्विचेस। और यहाँ दिखा देता हूँ MPX फिल्टर भी है इसमें, और ये IX प्रो फिल्टर सेलिब्रेशन के लिए, इनपुट के लिए, रिकॉर्डिंग और नॉर्मल आप इसका इफेक्टिंग लेना चाहते हैं जो इक्वलाइजर के द्वारा इसमें लगा के। और ये रिकॉर्डिंग लेवल, बेस और डॉल्बी NR ऑफ एंड ऑन, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं डॉल्बी NR B एंड डॉल्बी C और ये डॉल्बी ऑफ। तो चलिए मैं कुछ प्ले करता हूँ इसमें, कैसेट ऑलरेडी मैंने लगाई हुई है। ये इसका देख सकते हैं डॉल्बी B, डॉल्बी C, डॉल्बी ऑफ। आप इसको स्टॉप करके ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, काउंटर मीटर देख सकते हैं, स्टॉप करके रिवाइंड कर सकते हैं। फुल वर्किंग मेरे पास ये बहुत अच्छी कंडीशन में पीस आया है, ये प्ले कर सकते हैं, ये पाउच यहाँ से और ये प्ले। अब मैं आपको नॉर्मल कैसेट चलाकर दिखाता हूँ। ये क्रोम कैसेट थी, मेटल क्रोम वगैरह जो आती हैं, और ये नॉर्मल टेप है। नॉर्मल टेप आप इस ओपन की जगह कुछ भी कर सकते हैं तो ये ओपन हो जाएगी प्ले कशो लेने के लिए। ये देख सकते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं ये ओपन, और आपको डायरेक्टली प्ले करना हो तो डायरेक्टली प्ले भी यहाँ से ये आराम से हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये प्ले स्टॉप ओपन, और यहीं से आप क्लोज करेंगे। तो देखा दोस्तों कितने अच्छे फंक्शन में और कितनी अच्छी मिंट कंडीशन में मेरे पास ये सोनी का न्यू एकदम 3 हेड आया है। एक तो ये 3 हेड कैसेट डेक काफ़ी कम ही मिलते हैं, और फिर इसमें ये फंक्शन भी थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है। इसका ओपन क्लोज भी इस तरीके से ही हो रहा है इसके माइक्रो टच से। तो चलिए अब मैं इसकी बैक साइड दिखाता हूँ और अंदर की साइड भी इसकी दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये इसकी बैक साइड है। ये वोल्टेज सिलेक्टर्स है जो 240 वोल्ट 220 पे ऑपरेट है।
या आपने वोल्टेज सिलेक्टर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, 110 पे भी चलता है ये। और यहाँ ये डिटेल, सोनी मॉडल नंबर TCK 222 ESL, इसके सीरियल नंबर, मेड इन जापान का प्रोडक्ट है। और कनेक्शन आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं, ये लाइन आउटपुट एम्पलीफायर के थ्रू आपने यहाँ लगानी है, लाइन इनके लिए यहाँ पर है, और CD डायरेक्ट भी इनमें इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये फंक्शन ये यहाँ भी CD डायरेक्ट लगा सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं इसका इनसाइड और आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ओपन करता हूँ। मैंने स्क्रू उसके लूज किए हुए हैं, ओपन किए हुए हैं, ये थोड़ा सा खोलने में प्रॉब्लम करता है काफ़ी, वो है इसका, ये देख सकते हैं। अब इसका ये देख लीजिए, एकदम नीट एंड क्लीन सामान है इसका अंदर सारा, एकदम फ्रेश पीस है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो देखा आपने, चलिए मैं अब इसका प्राइस बताता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, आज का हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार प्रोडक्ट आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि बहुत अच्छी मिंट कंडीशन में है, 3 हेड सोनी का। और इसका आप जो मैंने ये कवर इसका ऊपर का ये हटाया था, आप बहुत ध्यान से हटाना, इसमें लॉकिंग होती है जिसमें ये इस तरीके से टाइट हो जाती है लॉकिंग। बाकी कंडीशन आप देख चुके हैं, आवाज़ भी सुन चुके हैं, और फुल वर्किंग है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो ये जिस भाई ने लेना हो, परचेज़ करना हो, तो मैं इसको देता हूँ केवल 15,000 ओनली, 15,000 रुपये का ये आपको प्रोडक्ट मिलता है। और ऑलरेडी मेरे पास भी काफ़ी महंगाई आया है, काफ़ी मैं पीस डाल चुका हूँ, लेकिन इतनी अच्छी कंडीशन का इतना मिंट मेरे पास बहुत कम ही आता है। नॉर्मल डेक तो आपने अक्सर देखे ही होंगे, मेरे चैनल पर आते रहते हैं, लेकिन 3 हेड एक तो मिलते बहुत कम है, और कॉस्टली ही मिलते हैं, और ये इतनी नई कंडीशन का एकदम मिलता नहीं दोस्तों। ये डील आपके लिए बहुत बेहतर होगी, इसको आप किसी भी एम्पलीफायर से लगा के और इसको सुन सकते हैं। तो जिस भाई ने लेना हो, परचेज़ करना हो, वो आप मुझसे मिल सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।